तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ गया है Vivo का V27। जी हाँ दोस्तों, Vivo V27 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और आपको पता है हम लोग स्पेशलिस्ट हैं हिडन फीचर बताने के, और दोस्तों आपको बताएंगे कुछ 10 ऐसे अमेजिंग फीचर्स जो कि आप भी देखे कहोगे। देखो गाइस, आपको पता है कि आपको नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला। दोस्तों हिडन फीचर्स बताने से पहले आपको दिखा देते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में केस। ओ माय डार्लिंग, इट इज लुकिंग ग्रेट। वाओ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 हिडन फीचर्स ऑफ Vivo V27। दोस्तों जो 10वां हिडन फीचर है वो बहुत ही ज्यादा डोप है, और दोस्तों वो ही मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। दोस्तों इसका नाम है शेक टू डांस। इस फीचर के नाम से आपको ये तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ये सब नहीं करेंगे, आपको कुछ जादू दिखाएंगे आज। तो आपके फोन में भी हो सकता है कि आप जब एप्स वगैरह डालते हैं अपने फोन के अंदर, तो होम स्क्रीन पे एप्स कुछ ऐसे फैले फैले से रहते होंगे। दोस्तों आप लोग को भी अगर थोड़ा सा नीट एंड क्लीनिनेस की आदत है, तो दोस्तों आप लोग इसको एक ही बारी में सब कुछ बिल्कुल लाइन में लगा सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, और दोस्तों जैसे ही ये इस फॉर्मेट में आएगा, आपको उठाना है अपना फोन और दोस्तों हल्के से शेक करना है ऐसे ऐसे करके। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे आइकन्स एक लाइन में लग गए हैं। तो दोस्तों क्यों हिला डाला ना, ये सेटिंग ही ऐसी थी दोस्तों। दोस्तों 9th हिडन फीचर की बात करेंगे। क्या आपको भी कई बार कॉल सुनने में आवाज कम आती है, या आपको भी थोड़ा कम सुनाई देता है? ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा मत बताओ, पर ये सेटिंग तो सुन लो। अब आप अपने कान में जो आवाज आती है, यानी कि ईयर पीस में जो आवाज आती है कॉल्स की, उसको और भी लाउड कर पाएंगे नॉर्मल फोनों से काफी ज्यादा हाई। और दोस्तों ऐसी सेटिंग आपको वीवो में मिलती है, और दोस्तों उस सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऊपर लिखना है डायरेक्टली ईयर, चाहे तो आप ईयर कस्टमाइज भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ईयर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है आपको। दोस्तों इसको आप एनेबल कर दीजिए, और जोन सी भी उम्र है आपकी, या फिर जिस भी हिसाब से आपको कम सुनाई दे रहा है उस हिसाब से आप इसको लाउड कर दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके जो कान में आवाज आएगी वो काफी ज्यादा हाई आएगी। 8th हिडन फीचर। दोस्तों इस फीचर का नाम है लेफ्ट एंड राइट। नहीं नहीं दोस्तों, हम लोग लेफ्ट एंड राइट नहीं करने वाले, पर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेफ्ट एंड राइट का क्या मतलब है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन में लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड हमेशा से ही दो शॉर्टकट्स मिलते हैं। आपके Vivo डिवाइस के अंदर अब आप इन शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, आपको जाना है लॉक स्क्रीन के अंदर। दोस्तों लॉक स्क्रीन की सेटिंग के अंदर आपको मिलेंगे लेफ्ट शॉर्टकट एंड राइट शॉर्टकट। दोस्तों लेफ्ट शॉर्टकट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको मिलेंगे काफी सारे ऑप्शंस जो कि आप अपने फोन में ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट शॉर्टकट्स को। दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर दें। 7th हिडन फीचर। क्या आपको भी किसी ब्यूटीफुल लड़की का मैसेज आया, बेटा मन में लड्डू फूटा, पर उसको रीड करने से पहले उसने डिलीट कर दिया? तो दोस्तों आपके Vivo के अंदर एक ऐसी सेटिंग है जिसके वजह से अब आप कोई भी डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री की। तो दोस्तों नोटिफिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आपके ऊपर आती है तो दोस्तों ये सारी नोटिफिकेशन एक जगह पे जाके सेव हो जाती है। दोस्तों इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप ऐसे करके सर्च करके नोटिफिकेशन पे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको टर्न करने के बाद जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी आपकी वो सारी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। 6th हिडन फीचर। क्या आपने जब नया फोन लिया, आप भी चाहते हैं अपने दोस्तों को कुछ ऐसा दिखाना जिससे आपके दोस्त इंप्रेस हो, या दोस्त नहीं इंप्रेस हो, समझ रहे हो आप? तो दोस्तों आपके फोन में मिलता है एम्बिएंट डिस्प्ले मोड। यहाँ पे आपको बहुत ही गजब का एक एम्बिएंट डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कभी मून बना हुआ आ रहा है, कभी कुछ बना हुआ आ रहा है। दोस्तों इस सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और दोस्तों सेटिंग्स में जाके आपको जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जब आप जाएंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ स्क्रीन स्टाइल्स, जैसे मैंने आपने देखा मून लगा रखा है। आप चाहें तो कोई और भी पर्सनलाइज्ड स्टाइल्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अरे अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, अभी बहुत कुछ समझना है जिंदगी में।
दोस्तों बात करते हैं पांचवे अमेजिंग हिडन फीचर की। दोस्तों Vivo V27 में एक ऐसा फीचर आपके लिए दिया गया है ताकि आपका डिवाइस बहुत क्लीन लगे, क्योंकि भाई नोटिफिकेशंस हर एक के पास काफी ज्यादा आती हैं। एवरीवन यूजेस ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी सारी एप्लीकेशंस आप लोग यूज करते हैं, एंड उसकी वजह से यू फेस सो मेनी नोटिफिकेशंस, जिसकी वजह से दोस्तों आपका फोन डर्टी लगता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी नोटिफिकेशंस आपकी लॉक स्क्रीन पे दिख रही हैं। हम लोग चाहें तो दोस्तों आपकी ये सारी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं ऑन लॉक स्क्रीन। दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स पे। दोस्तों सेटिंग्स में जाके आपको चूज करना है लॉक स्क्रीन, या फिर आप चूज कर सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशंस। और दोस्तों नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको चूज करना है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन के अंदर जाके आप डो नॉट शो एनी नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अब ब्लॉक करेंगे, यू विल फाइंड कि यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया है। दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे अमेजिंग हिडन फीचर की, जो कि दोस्तों भगवान से रिलेटेड नहीं है, ब्यूटी से रिलेटेड है। दोस्तों वैसे तो भगवान सबको ब्यूटी देता है, पर जिनके पास थोड़ी कम रह जाती है ब्यूटी, उनको वीवो दे देता है। तो आप भी अपनी वाली को बोलो वीवो ले ले। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स। तो दोस्तों इसको एनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स में जाके आपको ढूंढना है यहाँ पे सर्च में फेस ब्यूटी, और दोस्तों फेस ब्यूटी लिखते साथ ही आपको एक फीचर मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। दोस्तों इसको आप एनेबल कर लीजिए फॉर फोन, प्लस अगर दोस्तों आप चाहें तो दूसरी एप्स के लिए भी एनेबल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइबर, व्हाट्सएप, जैलो, लाइन, फेसबुक मैसेंजर। दोस्तों तीसरा हिडन फीचर वो है दोस्तों काइनेटिक वॉलपेपर। दोस्तों इस वॉलपेपर की खास बात यह है कि जितने भी स्टेप्स आप चलते रहोगे, ये जो आपको पीछे फ्लावर है ये खुलता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं जाऊं टैप करके रखूंगा वॉलपेपर्स पे जाऊंगा, दोस्तों वॉलपेपर पे आपको यहाँ पे जो शुरुआत के दो दिख रहे हैं काइनेटिक वॉलपेपर हैं। और दोस्तों आपको और चुनने हैं या और सिलेक्ट करने हैं, दोस्तों आप लोग लास्ट में थ्री डॉट्स पे जाइए, वहां पे दोस्तों आप लोग काफी सारे काइनेटिक वॉलपेपर देख पाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 स्टेप्स पे ऑटोमेटिकली, देखिए कैसे पूरा फ्लावर खुल जाएगा, जितने स्टेप्स आप चलेंगे उतने ज्यादा फ्लावर खुलता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, अगर पसंद आ रही है तो नीचे लाइक पे अपना थोड़ा सा जोर जरूर लगाना। दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड हिडन फीचर की, दोस्तों वो है ऐप पिनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ छिछोरे दोस्त हैं जो कि आपसे पहले फोन मांगते हैं और दूसरी दूसरी एप्स को देखने लग जाते हैं, तो दोस्तों ये सेटिंग कर लो। दोस्तों ये है ऐप पिनिंग, जिसके अंदर अगर आपने एक बार कर ली तो जैसे लेट सपोज हम लोग गूगल क्रोम पे हैं और अगर आपके दोस्त ने फोन मांगा तो वो दोस्तों पीछे जाके कुछ भी खोल सकता है। दोस्तों अब आप चाहे तो अब आप इसको पिन कर सकते हैं, दैट मींस कि अगर आपने उसको पिन करके दिया यहाँ पे, जो एप्लीकेशन है वो दोस्तों बैक नहीं होगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बैक नहीं हो रही, और जो दोस्त है आपका वो बस और बस यही देख पाएगा जितना आपने उसको सिलेक्ट करने के लिए दिया है। दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट हिडन फीचर की। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है। दोस्तों ये है आपका कस्टमाइजेशन रिलेटेड टू द कलर्स प्लस द आइकन्स। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप कि अब आप अपने डिवाइस के अंदर जो भी कलर चाहें, जैसे कि आपने अगर सोचिए ब्लू कलर पहना है तो आप चाहिए यहाँ पे और दोस्तों ब्लू कलर चूज कर लीजिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप नीचे भी और बाकी सारे शेड्स भी ब्लू कलर में चूज कर सकते हैं, वॉलपेपर कलर भी ब्लू हो जाएगा। प्लस दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे आइकन कलर्स को भी ब्लू कर देंगे। और दोस्तों अब आप जब बाहर निकलेंगे तो आप लोग पाएंगे कि सब कुछ यहाँ पे ब्लू हो गया है। तो दोस्तों क्यों, आपको भी पसंद आया ना? तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 10 टॉप 10 Vivo V27 के हिडन फीचर्स। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो करना ही करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।